दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं जिसमें 28 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से फंड करती है। हर कॉलेज में 5-5 सीट दिल्ली सरकार की सुनिश्चित हैं गवर्निंग बॉडी में, तो करीब 150 ऐसी सीट हैं, वो सारी की सारी पिछली पार्टी के कांग्रेसियों से भरी हुई थी। हम चाहते तो हम भी आम आदमी पार्टी के लोगों को भर सकते थे, हमने वो नहीं किया, हमने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं और हम पूरे देश भर से एकेडमिशियंस को, एजुकेशनिस्ट्स को बुला रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं डालेंगे, हम इसमें अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट्स और एकेडमिशियंस को डालेंगे। डूसिप जो है, डूसिप का बोर्ड जो है, स्लम बोर्ड में भी पहले सारे पॉलिटिकल वो थे, अब हम लोगों ने आश्रय अधिकार अभियान और इस तरह की अच्छी एनजीओज के लोगों को हम डाल रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को उसमें नहीं डाल रहे। उसी तरह से महिला आयोग है, महिला आयोग भी पिछली पार्टी के लोगों से भरा हुआ था, मुझे पता है आप प्रश्न पूछेंगे इसके बाद उसके ऊपर। तो बरखा सिंह जी जो हैं आप सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रही हैं, कांग्रेस की एमएलए की टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकती हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो वो जो भी काम करेंगी उसमें एक राजनीतिक एंगल तो होगा ही होगा, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैत्री पुष्पा जी, हम चाहते तो हम भी अपनी एक एमएलए को वहां पे बिठा सकते थे। तो मैत्री पुष्पा जी एक ऐसा नाम है जो कि सारा देश जानता है, बहुत बड़ी साहित्यकार है, अगर ऐसे लोग आएंगे तो उससे उस सब की इज्जत बढ़ती है। ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए हम लोगों ने उनको रेगुलराइज करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी पूरी, बिकॉज हर विभाग के अंदर ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं लोग, उस वो कमेटी अब एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि किस विभाग में कितने कर्मचारी ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, कितने पहले कर कम चुके हैं, उसकी लिस्ट बनाएगी और क्या प्रोसीजर होगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ठेकेदारी के थ्रू बैकडोर से रेगुलराइज नहीं कर सकते, दे उनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उनकी सब कुछ चेक करना पड़ेगा और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो वो काम जारी है, लेकिन थोड़ा सा दुख ये है कि कुछ विभागों के अंदर ठेकेदारी पे काम करने वाले मजदूर, कुछ कर्मचारी हड़ताल पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने, जो थोड़ी सी दुख की बात है। जैसे अभी कुछ टीचर्स हड़ताल पे हैं पिछले 15-20 दिन से, जैसे ही वो हड़ताल शुरू की उन लोगों ने उस दिन सेक्रेटेरिएट के सामने, मैं खुद गया उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता आज तक कभी ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री 200 लोग धरने पे बैठे और मुख्यमंत्री खुद उठ के लोगों से मिलने के लिए जाए। मेरा अपना ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को धरने पे बैठना क्यों पड़े, अगर कोई धरने पे बैठा है तो हमें जाके बातचीत करनी चाहिए उनसे। तो मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने कहा भाई कब से वो ठेकेदारी पे, बोले जी 4 साल हो गए। तो मैंने कहा अगर 4 साल हो गए 4 महीने तो दे दो हमको, अभी तो हमारी 4 दिन भी नहीं हुए सरकार बने हुए, ऐसे एकदम से कैसे कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप 4 महीने क्या, आप 10 महीने ले लो, लेकिन कल हमारे स्कूल खुल रहे हैं, तो जब स्कूल खुलेंगे, कल हम स्कूलों में जाएंगे तो कुछ टीचर्स की प्रमोशन हो गई होगी, और जिनकी प्रमोशन हो गई होगी उतने हमारे ठेकेदारी वालों को निकाल दिया जाएगा, तो आप ये इंश्योर कर दो कि हमारे को किसी को निकाला ना जाए। मैं अंदर आया, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको निकाला जाएगा, आप इंश्योर कर दीजिए कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। मैंने मैसेज भिजवा दिया कि भाई हम किसी को नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत करो, कल आप लोग जाओ। वो फिर भी नहीं उठे, फिर मैंने उनसे पूछा भाई अब क्या हुआ, तो पता चला वो कह रहे जी हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 मई को खत्म हो रहा है, आप ये ऑर्डर पास करो कि 10 मई के बाद ही एक्सटेंड रहेगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि जब तक इस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी भी ठेके पे काम करने वाले को निकाला नहीं जाएगा। वो फिर भी नहीं उठे, अब क्या हो गया, तो अब वो कह रहे नहीं जी अभी पक्का करो, तो अब तो पक्का नहीं हो सकता जी, 24 घंटे में तो पक्का नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वही डीटीसी का भी है, डीटीसी वाले कह रहे जी अभी पक्का करो, कल तक पक्का करो, 2 दिन में पक्का करो, वो मैंने उनको कह दिया जी ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर्स निकाले हैं कि इस तरह की हमें पूरी सहानुभूति, हम मानते हैं जिस तरह मैं बहुत पिछले एक साल से ठेकेदारी के काम करने वाले लोगों के बीच में रहा हूं, मैं मानता हूं कि बहुत शोषण हो रहा है उन लोगों का, लेकिन उनको समय देना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है और मैं उनसे फिर से अपील करता हूं कि वो वापस लौटें अपने काम पे। लेकिन अगर नहीं लौटेंगे तो अब अगर 600-600 बसें डीटीसी की सड़क से बाहर होंगी तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, दिल्ली की जनता को तो तकलीफ नहीं दे सकते। फिर हमने कहा है कि भाई फिर अगर कोई नहीं आ रहा तो उनको फिर उनकी जगह पैरेलल भर्ती अभी शुरू कर दो, तुरंत नए लोगों को रख लो, और जो जो लोग अब नहीं लौट रहे काम पे तुरंत
उन लोगों को फिर जब रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होगा तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको हम रेगुलराइज नहीं करेंगे, जो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आज ही करो कल ही करो. तो ये ऑर्डर्स सारे शिक्षकों के लिए भी और डीटीसी वालों के लिए भी कर दिए गए हैं.